हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, हैप्पीनेस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस की परिभाषा क्या है, सुख क्या है, सुख के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सैद्धांतिक विचारधाराओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं आपको बताऊंगी सुख के निर्धारक अथवा स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात किन माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो इसमें सबसे पहला जो निर्धारक है वो है धन या पैसा। डायनेर और डायनेर नाम के मनोवैज्ञानिकों ने 1955 में यह अध्ययन किया। उन्होंने 31 राष्ट्रों के कॉलेज छात्रों का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुष्टि का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि समृद्ध राष्ट्र की तुलना में गरीब राष्ट्र के छात्रों ने वित्तीय स्थिति को संतुष्टि का निर्धारक बताया, अर्थात गरीबी जो है वो उससे सुख में कमी आती है। इसी तरह से गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों के लोग अधिक सुख थे। इस तरह से धन को सुख से पॉजिटिवली संबंधित किया गया है। और उन्होंने ये भी बताया डायनेर ने कि एक बार जब घर की आय गरीबी रेखा से ऊंची उठ जाती है तब आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी आवश्यक रूप से सुख को बढ़ाने के साथ साथ सहसंबंधित नहीं होती। डायनेर ने यह भी स्पष्ट किया कि जब सुख के आंकड़ों को आर्थिक आधार पर बहुत गरीब और बहुत समृद्धिशाली समूहों में बांटा गया तो ये स्पष्ट हुआ कि गरीब लोगों में आय और सुख के मध्य मजबूत सहसंबंध पाए गए, जबकि धनवानों में इन दोनों चरों के मध्य निरर्थक संबंध देखे गए। तो इस तरह से धन और सुख में पॉजिटिव रिलेशन है। दूसरा जो निर्धारक है वो है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति से मतलब है कि जब स्त्री और पुरुषों की वैवाहिक स्थिति संतुष्टि उत्पन्न करती है और उससे सुख में वृद्धि भी होती है, जैसा कि सिकोम्ब और शेहन ने अपने अध्ययनों में बताया कि वैवाहिक स्त्री पुरुषों में अविवाहित स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुख देखा गया। इसके अलावा जो अलग अलग रह रहे विवाहित जोड़े थे उनमें भी सुख की मात्रा कम पाई गई उनकी अपेक्षा जो विवाहित जोड़े साथ में रह रहे थे। तो इस तरह से वैवाहिक स्थिति से सुख का संबंध है। इसके अलावा तीसरा जो कारक है सुख में के जो निर्धारक हैं उसमें अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। डायनेर और सेलिगमैन का ये कहना था कि अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी है तो सुख में वृद्धि होती है। उन्होंने छात्रों में अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखने वाले जो छात्र थे वे आगे चलकर अधिक सुखपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी सुख में वृद्धि करता है। चौथा जो निर्धारक है सुख का वो है अच्छे सामाजिक संबंध। अच्छे सामाजिक संबंध से मतलब है कि व्यक्ति अगर समाज में अच्छे संबंध स्थापित करता है, उसके अपने पास पड़ोस अपने मित्रों से अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं तो उसमें
सुख की मात्रा अधिक होती है उनकी अपेक्षा जो समाज में अलग रहते हैं या सामाजिक रूप से जिनका जीवन बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होता या जो मिलनसार नहीं होते। अगला जो कारक है वो है अच्छे सामाजिक कामकाज। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनमें भी सुख की मात्रा अधिक पाई गई। परमानंद सुख का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि सुख एवं आनंद जो है समानार्थक नहीं है। अर्थात उनका मानना ये है कि सुख प्लस अर्थ शामिल है। सुख के इस दृष्टिकोण को समझने के लिए गुणों और दिन प्रतिदिन के व्यवहार को भी समझना आवश्यक है। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों का कहना है, जैसे वाटरमैन का कहना है कि जो चीज़ें सुखदाई हैं उससे परे जीवन जीना होगा। और आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान में सुख के इस भौतिकवाद से परे दृष्टिकोण को केंद्र में रखने का प्रयास किया है, जिसमें आनंद, संतोष, जीवन के अर्थ को अधिक महत्व दिया गया है। तो सेलिगमैन ये कहते हैं कि आनंदित और अर्थपूर्ण जीवन निर्माण उस सुख पर बनाया जा सकता है जो हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियों के उपयोग का परिणाम है। इसके बाद एक कंसेप्ट है प्रामाणिक सुख या ऑथेंटिक हैप्पीनेस। ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या है, इसके बारे में मार्टिन सेलिगमैन ने कहा है कि प्रामाणिक सुख सिद्धांत में सकारात्मक मनोविज्ञान के केंद्र में सुख होता है। लोग अक्सर उसे चुनते हैं जिसे चुनकर उनमें अच्छे भाव का जागरण होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भ्रमण स्थल पर जाने के लिए उस स्थान विशेष का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनमें अच्छे का भाव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत कई बार लोगों की पसंद इस पर आधारित नहीं होती कि उन्हें कैसा लगेगा। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे के संगीत को सुनना केवल इसलिए नहीं चुनता कि उसे अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अभिभावक होने का ये कर्तव्य है और यह उसके जीवन को अर्थ देता है। तो प्रामाणिक सुख जो है जिसे हम चुनते हैं उसको तीन तत्वों में हम विश्लेषित कर सकते हैं। पहला तत्व है सकारात्मक संवेग, दूसरा है संलग्नता और तीसरा है अर्थ। तो सकारात्मक संवेग से मतलब है कि व्यक्ति उस चीज की तलाश में रहता है जिससे उसे खुशी मिलती है। तो सकारात्मक संवेग कौन कौन से हैं, ये हैं खुशी, उत्साह, परमानंद, मित्रभाव, आराम आदि। तो इन तत्वों के चारों ओर ही सफलतापूर्वक हमारा जीवन चलता रहता है। दूसरा तत्व है प्रवाह, फ्लो, अर्थात किसी क्रिया में व्यक्ति इतना लीन हो जाए कि उसकी आत्मचेतना भी उसमें खो जाए। फ्लो या संलग्नता सकारात्मक संवेग से भिन्न ही नहीं है बल्कि विरोधी भी है, क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति जो प्रवाह में है उससे पूछते हैं कि वह कैसा अनुभव कर रहा है या कैसा सोच रहा है, तो वो प्राय कहते हैं कि कुछ नहीं। प्रवाह में व्यक्ति कर्म में लीन हो जाता है। सेलिगमैन का कहना है कि तल्लीनता के केंद्रित ध्यान में उन सब ज्ञानात्मक और संवेगात्मक संसाधनों का उपयोग होता है जो सोच या भाव को निर्मित करती हैं। और इसके अलावा प्रामाणिक सुख का तीसरा तत्व है अर्थ। लोग जीवन का अर्थ एवं लक्ष्य चाहते हैं, अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। अर्थपूर्ण जीवन जीने से तात्पर्य है
किसी ऐसे को सेवा देना जिसके बारे में व्यक्ति का विश्वास होता है कि वह खुद से सेल्फ से बड़ा है। मानवता ने इसके लिए अनेक सकारात्मक संस्थाएं सृजित की हैं जीवन को अर्थ देने के लिए, जैसे धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, स्काउट, परिवार आदि। तो इस तरह से सेनिया और मैनिन ने 2005 में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि प्रामाणिक सुख व्यक्ति जो चुनता है उसका सिद्धांत है, किंतु इसमें एक बड़ी कमी है, वह सफलता और प्रवीणता को समाप्त कर देता है। तो इस तरह से ये ऑथेंटिक सुख का कंसेप्ट दिया गया हैप्पीनेस के बारे में। और आज मैंने आपको बताया कि हैप्पीनेस के कौन कौन से निर्धारक हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें सुख प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि सुख में किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं या अपने सुख को हम, सुख की भावना को हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।